please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. प्रधानमंत्री मोदी आज लखनऊ में 60,000 करोड़ की 74 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे. इस दौरान देश के कई बड़े उद्योगपति मौजूद रहेंगे. महाराष्ट्र के रायगढ़ में एनडीआरएफ टीम के कुछ सदस्य शवों को एम्बुलेंस में रखने लगे. वहां कोंकण कृषि विश्वविद्यालय पीठ में कर्मचारियों से भरी एक बस 500 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और हादसे में मारे गए लोगों के शवों को निकालकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जान जोखिम में डालकर जवान पहाड़ी रास्ते से उस जगह पहुंचे जहां मारे गए लोगों के शव पड़े थे. उसके बाद रस्सी के एक सिरे को मशीन से बांधा गया और दूसरे सिरे से शवों को ऊपर ले जाया गया. सड़क और खाई के बीच कई जगहों पर रेस्क्यू टीम के सदस्य सपोर्ट बनकर खड़े नजर आए. मारे गए लोगों के शवों को खाई से ऊपर खींचने का ये सिलसिला देर शाम तक चलता रहा. जानकारी के मुताबिक बस में कोंकण कृषि विद्यापीठ के 35 कर्मचारी सवार थे. कूदने की वजह से बस में सवार सिर्फ एक आदमी की जान बच पाई. ये सभी कर्मचारी दपोली से महाबलेश्वर पिकनिक मनाने जा रहे थे. बताया गया कि ड्राइवर के संतुलन खोने की वजह से बस खाई में गिर गई. लेकिन इस हादसे के बारे में तब पता चला जब बस में सफर कर रहा एक आदमी सही सलामत खाई से ऊपर चढ़कर सड़क पर पहुंचा, जिसके बाद प्रशासन को इस हादसे की खबर दी गई. और खबर मिलते ही सबसे पहले पुलिस मौके पर पहुंची और भयानक हादसे को देखते ही एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन का जिम्मा सौंप दिया, जिसके बाद पुलिस और एनडीआरएफ की टीम शाम तक 25 शवों को ऊपर लाने में कामयाब हुई. इस हादसे पर दुख जताते हुए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मारे गए लोगों के परिवार वालों को हर संभव मदद का भरोसा दिया. मृत्यु जिनको आया है ऐसे सभी लोगों को और उनके परिवारों को सरकार की ओर से मदद तो दी जाएगी, किंतु इस प्रकार का अपघात ये कैसे हुआ और ऐसे अपघात न हो इसके लिए भी सरकार कदम उठाए. हादसे की खबर मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दुख जताया. उत्तराखंड के केदारनाथ में लगातार जारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं. केदारनाथ में दो दिनों से बारिश जारी है, जिससे यहां बहने वाली सरस्वती नदी और मंदाकिनी नदी के उफान ने केदारनाथ धाम के चारों तरफ विकराल रूप दिखाया है. नदियों का रौद्र रूप होने के बाद यहां के लोग घबराए हुए हैं. नदियों का जल स्तर बढ़ने से रघु चट्टी को जोड़ने वाले पुल के ऊपर से पानी बह रहा है. ज़्यादा तेज बारिश हुई यहाँ पर और इस समय भी बारिश जारी है यहाँ पर और केवल थोड़े थोड़े समय के लिए बारिश रुक रही है. हमें फिलहाल यहाँ पर ड्यूटी लगा दी है और यहाँ पर शिफ्ट के हिसाब से ड्यूटी लगा रखी है और यहाँ पर आवाजाही फिलहाल अभी रोक दी गई है. बिहार की राजधानी पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अंदर कुछ लोग घुटनों तक पानी में डूबकर चलने लगे. बताया गया कि पिछले तीन दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पटना के कई इलाकों में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से सड़कों और अस्पतालों में कई फीट पानी भर गया. पानी भरने से राहगीरों और अस्पताल में भर्ती मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर के अंदर कई जगहों पर बारिश का पानी घुस गया, जिससे अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजनों की परेशानियां बढ़ गयी. जल जमाव का आलम ये रहा कि अस्पताल के मेडिसिन विभाग के आईसीयू के अलावा सभी चार वार्डों में भी पानी घुस गया, जिसकी वजह से स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों को भी जूझना पड़ा. बहुत दिक्कत हो रहा है, क्या कर रहा है प्रशासन और सरकार जो समझ में नहीं आ रहा. जबकि भारी बारिश की वजह से पटना के अगमकुआं की सड़कें भी पानी में डूबी हुई नजर आईं और लोग घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर हो गए. लोगों ने पटना के इस हालात के लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया. वहीं पटना के राजेंद्र नगर इलाके में भी कुछ घंटों की बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी. सबसे चौंकाने वाली तस्वीर पटना के काजीपुर के सरकारी क्वार्टर में देखने को मिली, जहां थोड़ी देर की बारिश के बाद कई घरों में पानी घुस गया. हालात इतने खराब हो गए कि लोग बिस्तर पर बैठ पानी के घटने का इंतजार करने लगे. वहीं सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. पटना के पास हाजीपुर में भी भारी बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया और सदर अस्पताल पानी में डूब गया, जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानी हुई. वहीं भारी बारिश से मुंगेर से होकर बहने वाली मणि नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा, जिसकी वजह से वहां के लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर हो गए. केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने नारायण दास जी महाराज का आशीर्वाद लिया. राजस्थान के जयपुर में केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने त्रिवेदी धाम में पहुंचकर पद्मश्री नारायण दास जी महाराज का आशीर्वाद लिया. राजस्थान के उदयपुर में एक बस और ट्रोले की टक्कर से हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 20 लोग घायल हो गए.
पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। राजस्थान के कोटा में 10 साल के बच्चे की खेलते हुए खदान में गिर जाने से दर्दनाक मौत हो गई। यूपी के बरेली में एक टीचर पर अपनी ही स्कूल की प्रिंसिपल को गाली देने और कुर्सी से मारने का वीडियो सामने आने के बाद केस दर्ज किया गया। राजस्थान के झालावाड़ में एक 7 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। राजस्थान के जयपुर में केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आतंकी हमले में शहीद शंकर बराल के घर तेजपुरा जाकर परिजनों को मदद का भरोसा दिया। झारखंड के धनबाद में चोरी और डकैती के आरोप में 3 बदमाशों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया गया। यूपी के कन्नौज में एक लड़के को अपनी बहन के रेप और कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अभिनेत्री कंगना रनौत पीएम मोदी की तारीफ करते हुए 2019 के लोकसभा चुनावों में सबसे बेहतर उम्मीदवार बताया। मुंबई में पीएम मोदी के जीवन पर आधारित शॉर्ट फिल्म चलो जीते हैं की स्क्रीनिंग पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत रेल मंत्री पीयूष गोयल, रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार समेत कई हस्तियां पहुंची। यूपी के फिरोजाबाद में भारतीय किसान यूनियन और फिरोजाबाद व्यापार मंडल के कुछ लोग प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारी टूंडला टोल प्लाजा के जरिए वसूले जा रहे टोल टैक्स को माफ करवाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे और समर्थकों के साथ टोल प्लाजा पहुंचकर हंगामा करने लगे। इस बीच थोड़ी देर के लिए टोल फ्री कर दिया गया। करीब 1 घंटे तक चले इस प्रदर्शन में लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और टोल प्लाजा के एक रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया। प्लाजा पर प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों ने टोल प्लाजा के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की गाड़ियों से टैक्स वसूले जाने को गलत करार दिया और टैक्स फ्री करने की मांग की। जो गाड़ियां हैं उन पर टोल न लगाए जाए, तमाम तरह के टैक्स लगा दिए जाते हैं, उसके बाद टैक्स लगते हैं, इसलिए फिरोजाबाद की 83 नंबर की गाड़ियों को टोल मुक्त किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने उनकी मांगों की अनदेखी करने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक बस गहरी खाई में गिर जाने से 32 लोगों की मौत हो गई। गहरी खाई से 25 शव निकाल लिए गए हैं। रात होने की वजह से राहत और बचाव के काम में परेशानी आ रही थी। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है। इसके साथ ही हादसे में जख्मी हुए लोगों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। हादसे की वजह साफ नहीं हो पाई है। मरने वाले सभी कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारी थे। पिकनिक के ऊपर, ट्रिप के ऊपर जा रहे थे, ऐसी प्राथमिक जानकारी हमारे पास आई है। अभी हमारे राज्य मंत्री वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो लोग इसमें मृत्यु जिनको आया है, ऐसे सभी लोगों को और उनके परिवारों को सरकार की ओर से मदद तो दी जाएगी, किंतु इस प्रकार का अपघात ये कैसे हुआ और ऐसे अपघात न हो इसके लिए भी सरकार कदम उठाएगी। गुजरात के वडोदरा में जिला प्रशासन ने गोलगप्पे पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने 50 जगहों पर छापा मारकर 1000 से ज्यादा पानी पूरी बेचने वालों पर कार्रवाई की है। प्रशासन का कहना है कि लोगों की सेहत के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और पानी पूरी को बनाने में साफ सफाई और जरूरी मापदंडों की अनदेखी की जा रही है, मगर किसी तरह की ढील बरती गई तो लोगों को पीलिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती है। गोलगप्पे पे तबाह इस वजह से क्योंकि पानी जो रहता है, पानी अगर कॉन्टामिनेटेड वाटर से अगर वो पानी की पूरी का पानी अगर मिलता है तो उसके वजह से डायरिया वोमिटिंग के केसेस बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने पानी पूरी को अभी तक तो हम उनको नहीं बेचने देंगे। अभी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक कच्चे मकान के अंदर बैठी कुछ महिलाएं बिलखने लगी। वहाँ तेज बारिश के बाद एक मकान की छत गिरने से परिवार के 6 लोग मलबे में दब गए और सभी की मौत हो गई। मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल थे, जिनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया और महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं छत गिरने की वजह से मकान पूरी तरह से तहस नहस हो गया और मलबे के नीचे मकान में रखा सारा सामान दब गया, जिसके बाद परिवार के लोगों को एक टेंट के नीचे शरण लेनी पड़ी। हालांकि इलाके के लोगों का आरोप है कि जानकारी देने के बाद भी एम्बुलेंस वक्त पर नहीं पहुंची। लोगों के मुताबिक एम्बुलेंस सेवा को फोन किया गया तो उन्होंने पहले वीडियो बनाकर भेजने को कहा। एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस ने कहा पहले वीडियो बना करके भेजिए, घटना सही है या नहीं है। सहारनपुर ही नहीं पूरे उत्तर भारत में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हालात बेहद खराब हैं। बारिश की वजह से होने वाले हादसों में सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। गाजियाबाद के इंदिरापुरा में एक 10 साल की बच्ची 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। परी
बालकनी में खेल रही थी, उसी दौरान उसका खिलौना नीचे गिर गया, जिसे देखने के लिए वो बालकनी में रखी किसी चीज पर चढ़ गई और फिर झांकने की वजह से नीचे गिर गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो घर में भरा था, हम जितन में किया है, उसका नानी है घर में बीमार, उसको बुलाता है, हम जाके उनका सब बात करें, बात करने से ही वो मंजिल से आके हमको बताए बड़ा लड़की की। हरियाणा के यमुनानगर में एक स्कूल की कुछ नाबालिग छात्राएं दीवार फांद कर जाने लगी। छात्राओं का आरोप है कि स्कूल के अंदर पीटी टीचर उनके साथ अश्लील हरकतें करता था, जिसके बाद ये छात्राएं स्कूल ड्रेस में ही अपने परिजनों के साथ एसपी ऑफिस पहुंच गई और आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। छात्राओं का आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल से शिकायत करने के बाद भी आरोपी टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए मजबूर होकर उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। पता कहते हैं नींद की गोलियां देके तुम्हारे साथ कभी ये काम करेंगे, कभी कुछ ऐसे से बोलते हैं सर। मंशा गलत है उनकी, कमरे में बुला के कोई कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, छेड़खानी की है मेरे बच्चों के साथ। वहीं पुलिस अधिकारियों ने मामले में आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया। तो यहाँ आए थे, यहाँ उन्होंने जो बात बताई, इसलिए उसको महिला थाने में भेज दिया गया, वहाँ उनकी कार्रवाई की जाएगी। हैरानी इस बात की है कि आरोपी टीचर के खिलाफ लगातार शिकायत करने के बाद भी स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भागीदारी वाली हाल ही की टिप्पणी पर पलटवार किया कि वो इस इल्जाम को इनाम मानते हैं। इल्जाम ये है कि मैं चौकीदार नहीं हूँ, मैं भागीदार हूँ। लेकिन मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों और मेरे देशवासियों, मैं इस इल्जाम को इनाम मानता हूं और मुझे गर्व है कि मैं भागीदार हूं। पाकिस्तान की फायरिंग में एक जवान घायल हो गया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अखनूर में भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की, जिसमें एक जवान घायल हो गया। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने दक्षिण 24 परगना में हुई पार्टी के एक नेता की हत्या का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया, जबकि टीएमसी ने आरोपों को खारिज कर दिया। यूपी के गाजियाबाद के वैशाली में दिन के वक्त घर में घुसे चोरों ने 3 लाख रुपए से ज्यादा नकदी और लाखों के जेवरात चुरा लिए। मध्य प्रदेश के सतना में शहर की बदहाली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महापौर के घर के पास कीचड़ में बैठकर प्रदर्शन किया। यूपी के लखनऊ में हुई समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो। एमबीए पास जम्मू कश्मीर के एक लड़के का आतंकी संगठन में शामिल होने का दावा किया गया। यूपी के वाराणसी में मई में कैंट रेलवे स्टेशन के पास बन रहे एक पुल का हिस्सा गिरने से हुए हादसे के मामले में पुलिस ने 7 इंजीनियर समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी समर्थकों ने पार्टी नेता की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। यूपी के बहराइच से बीजेपी सांसद सावित्री बाई फूले पर रोक के बावजूद एक खेत में जबरन ट्रैक्टर चलवाने का आरोप लगा।